हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा तोरण का पट्टी बताने वाली हूँ। इस तोरण पट्टी में आप हैवी से हैवी डिज़ाइन बना सकते हो। आप इस पे कितना भी हैवी डिज़ाइन बनाओगे ना, तो ये जो तोरण पट्टी है वो नीचे नहीं आएगा, झुकेगा नहीं, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसे बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक गांठ बना लेना है। गांठ बनाने के बाद यहाँ पे 23 यानी कि टोटल 23 चैन बनाना है। 23 चैन बनाने के बाद यहाँ पे फिर से आप डिज़ाइन को टर्न करने हैं। यहाँ पे देखिए चैन बनाना है सबसे पहले 23, उसके बाद ये आप यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया लेना है, 3 चैन छोड़ना है, चौथे वाले चैन से यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे चैन वाले में दो धागे को ऊपर करेंगे और एक को नीचे करके फिर ऐसे करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, अब फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया इसमें भी, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे बना लिया और फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे हमारे पास जितने भी चैन हैं हमें सब में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे टोटल 23 चैन बनाया था जिसमें 3 चैन स्किप कर दिया था, तो यहाँ पे टोटल 20 चैन हुआ था। तो अभी 20 चैन के ऊपर हमें 20 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 20 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 3 चैन बनाना है। 3 चैन बनाने के बाद डिज़ाइन को टर्न कर लेना है और जो पहला वाला चैन है वहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है। चैन वाले को काउंट कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो हमारे पास एक साइड में ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से देखिए 6 चैन बनाना है, 6 चैन बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया लेना है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 चैन छोड़ना है। सातवें वाले चैन से यहाँ पे हमें एक पफ बनाना है। तो पफ बनाने के लिए हम 4 बार धागे को क्रोशिया में लेंगे, 1 2 3 4 4 बार धागे को लेंगे और इन चारों को एक साथ बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक पफ हो गया। अब क्या करेंगे, इसी वाले चैन से एक पफ और बनाएंगे। तो पहले हम फिर से यहाँ पे 4 बार धागा को लेंगे और चारों को एक साथ बना लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 पफ हो गया। तो इस डिज़ाइन में हमें 2 पफ बनाना है यहाँ पे। अब इसके बाद फिर से हम 6 चैन बनाएंगे और 6 चैन बनाने के बाद यहाँ से नीचे से फिर 6 चैन स्किप करेंगे और सातवें वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 6 चैन स्किप कर दिया, अब सातवें वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो लास्ट में भी हम 4 डबल क्रोशिया 4 चैन में बना लेंगे। तो ये 3 बनाया और एक लास्ट वाले में बना लेंगे। तो हमारे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गया इसमें। तो ये जो हमारे डिज़ाइन है उसका एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट लाइन भी हमें सेम ऐसे ही बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले 3 चैन बना लेना है। 3 चैन बनाने के बाद इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो 4 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक तो 3 चैन वाला हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे तो ये 2 हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे 3 हो गया, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे बनाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो गया। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम 6 चैन बनाएंगे, फिर से 6 चैन बना लिया। अब 6 चैन बनाने के बाद जो हमने 2 पफ बनाया था यहाँ पे, उसके बीच से हम फिर से 2 पफ बनाएंगे। 4 बार धागे को लेंगे और चारों को एक साथ बना लेंगे। यहाँ पे चारों को एक साथ बनाएंगे। बना लिया। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे सेम ये स्पेस से एक और पफ बनाएंगे। इसके लिए भी हम 4 बार धागा को लेंगे क्रोशिया में और 4 बार धागा को लेके और फिर चारों को एक साथ बना लेंगे। बना लिया। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 चैन बनाने के बाद ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना लिया।
अब इसके बाद फिर से चार चार बना के और इसको टर्न कर लेंगे। और फिर ये जो लाइन है, एक लाइन है ना, इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। तो हम इसको जितना भी बड़ा हमें तोरण पट्टी चाहिए ना, हम बस इसी लाइन को रिपीट करते जाएंगे, तो हमारा तोरण पट्टी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन और बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा बना लिया है ये। तो ऐसे ही करके हमें जितना भी बड़ा तोरण पट्टी चाहिए ना, उतना बड़ा तोरण पट्टी बना लेंगे। और लास्ट में हम फिर से यहाँ पे 20 यानी कि 20 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो डिज़ाइन हमारा सेम हो जाएगा। और आप इसमें ना कितना से हैवी यहाँ पे तोरण का नीचे का बनाओगे ना, तो ये तोरण का पट्टी नीचे नहीं झुकेगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।